हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, अगर आप कुछ स्टॉक ढूंढ रहे हो जो अभी भी चले नहीं हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत महंगे हो गए, तो वैसे कुछ स्टॉक हमने ढूंढ के निकाले हैं जहां आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब पहले समझ लीजिए, मिनिमम 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, ये लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन होती है। और वहाँ जाके तब जाके ये स्टॉक आपको रिटर्न देगी। अब इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक होगा DMCC स्पेशलिटी केमिकल। अब इस स्टॉक का एक स्ट्रक्चर देखो, हर बार ये क्या करता है, एक चैनल में आता है, चैनल से ये चलता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। जैसे कि ये एक चैनल बना, यहाँ से एक ये चैनल बना, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक चल गया। फिर यहाँ एक चैनल बना ऐसे, फिर ब्रेकआउट हुआ, चल गया। अब फिर से यहाँ यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ एक चैनल बनते जा रहा है, ये चैनल में घूम रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, हमें आने वाले टाइम में ऊपर के टारगेट भी देखने मिलेंगे। आप इसे एज अ स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टॉक हमारा हो गया ये DMCC। इसके फंडामेंटल भी देखो, 766 करोड़ की कंपनी है, अभी सस्ता, मतलब मैं बोलूँगा मार्केट वैल्यू इसका, मार्केट कैप कम है, बट आने वाले टाइम में ये जो स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनीज है ये बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी भी आने वाले टाइम में आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। फेस वैल्यू इसकी 10 की है, तो आगे जाके आपको स्प्लिट बोनस जैसी कुछ चीज़ें होते हुए देखने मिल सकती है। बल्क केमिकल का इनका बिजनेस है, 46% ऑफ रेवेन्यू इनका आता है बल्क केमिकल से। स्पेशलिटी केमिकल यूजली इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल, डिटर्जेंट्स, डाइज एंड एक्सेट्रा, इन यहाँ इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। और देखो यहाँ क्या हो रहा है, मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न, जब 50 DMA की लाइन, ये येलो लाइन, जब ये ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी, देखो यहाँ काटने आ गई है, और जैसे ऊपर की तरफ काटेगी इसमें ब्रेकआउट होगा, और वो तब ब्रेकआउट इसमें स्टॉक को मतलब डबल भी कर देता है। मैंने बहुत बार देखा है। और ये जो 300 के वैल्यू वाले स्टॉक होते हैं वो कब 1000 हो जाते हैं, आप देखते देखते 1000 हो जाते हैं। तो यह आपको नज़र रखनी है कि ये 50 DMA 200 DMA को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तो स्टॉक भागेगा, क्योंकि यहाँ जब इसने नीचे की तरफ ये किया था, नीचे की तरफ काटा था, तो स्टॉक में गिरावट हमें देखने मिली, अब ये ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट दे देगा। तो यह आपको नज़र रखनी है। कंपनी के अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स देखो, लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट कितना था, 1 करोड़ का, ये क्वार्टर प्रॉफिट हो 14.38 करोड़ का। OPM थे 1.50%, जो कि बढ़ के हुए 15.20% के OPM हो गए। तो हमें प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा, OPM इनके बढ़े, तो ये एक पॉजिटिव बात यहाँ होगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेगेटिव में था, नेगेटिव 3.28, वो बढ़ के हो गया 6.68 पॉजिटिव। तो नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीज दिख रहा, EPS नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्वार्टर क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी है, YOY भी अच्छी है देखो। और यहाँ मैं प्रमोटर की बात करूँ तो कांस्टेंट होल्डिंग है प्रमोटर की 53.84%। 53.20 थी 21 में, वो बढ़ के थोड़ा सा उन्होंने स्लाइट इंक्रीज किया, 53.84 कर लिया। यहाँ DIs 1% होल्ड करते, FIs का कोई एक्सपोजर नहीं है, पब्लिक के पास 44.90% है। तो ये ऐसे जो स्टॉक है पब्लिक में, भी इंडिविजुअल पब्लिक होल्डिंग दिख रही है मुझे, देखो संजय काटकर, शाह शाह काटकर उपाध्याय, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग इसमें है, ये बड़े इन्वेस्टर है, इन्होंने पैसा लगा के रखा है कंपनी में। तो आने वाले टाइम में ये भी शेयर आपको स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हुए मिलेगा। अब इसमें हमारा सेकेंड स्टॉक होगा, देखो स्ट्रक्चर देखो कितना सही है इसका, और अभी ये सेक्टर फोकस में भी है। ये जो लेवल था इसके लिए ये इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, शेयर ने रीटेस्ट किया और अब ये ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है। भारत वायर, भारत वायर की बात करूँ तो ये शेयर था 10 रुपये पे, जो अभी हो गया 195 पे, अभी ट्रेड कर 195 हो गया। तो यहाँ स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, MACD पे बुलिश क्रॉसओवर बना है, बुलिश कैंडल बनते हुए जा रही, तो ये भी शेयर आपको आने वाले टाइम में आराम से 500+ के लेवल दिखाते हुए मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस आ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा, और परफॉर्मेंस कब अच्छा आता है, देखो 10 वाला शेयर जब 200 के लेवल तक चला जाए तो समझ जाओ कंपनी ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है अच्छा, इसलिए ये ऊपर गया है।
कंपनी के बारे में देखो तो 1325 करोड़ की कंपनी भारत वायर रोप्स, 21 का पी सस्ता भी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है कंपनी का। यहाँ अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम वाली बात है कि सिर्फ प्लेजिंग, प्लेज परसेंटेज 44.6% इनके प्लेजिंग है, यही इसकी प्रॉब्लम है। बाकी तो शेयर मुझे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट में दिख रहा। इनका काम भी देखो, स्टील वायर, वायर रोप, स्टैंड्स एंड स्लिंग्स, ये बनाने का काम है कंपनी का। और फिशिंग रोप्स भी बनाती है, इंक्लूड जनरल पर्पस रोप्स, रोप्स से रिलेटेड जितना भी काम है ये कंपनी करती है। यह अपने 5200 डीएमए को कॉन्स्टेंटली ऊपर, 50 डीएमए के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। अब यहाँ देखो अगस्त 22 में देखो, जो मैं बोलता हूँ 50 डीएमए ने 200 डीएमए की लाइन क्रॉस की यहाँ पे, और तब से शेयर ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कांस्टेंट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसीलिए वो पैटर्न में हमेशा बोलता हूँ, स्विंग ट्रेड में ये पैटर्न यूज करना है आपको। यहाँ डेबिटर इंप्रूव है, 39 से 29 हो चुके हैं, 153 के सीएजीआर से ग्रो कर रहा लास्ट 5 ईयर से, एक्सपेक्टेड टू गुड गुड क्वार्टर और रिड्यूस डेब्ट है। कंपनी अपना डेब्ट कम कर रही है जो कि अच्छी बात है। अब इसकी जो पीयर में, पीयर कंपैरिजन में देखो तो रत्नवनी मेटल है जो 2600 तक चला गया, शारदा एनर्जी 1700 तक चला गया, तो से कुछ कंपनीज है जो परफॉर्म कर रही है अच्छे से। और इसका कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हो, और कौन सा है ये, श्याम मेटालिक, श्याम मेटालिक से कैसे लिस्ट में, हाँ 386 पे ट्रेड, हाँ श्याम मेटालिक से के, महाराष्ट्र सीमलेस से के, तो ये कंपनियां परफॉर्म कर रही है फिलहाल और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही है। यहाँ देखो अच्छे रिजल्ट्स का मतलब 2021 में कितना प्रॉफिट था, 7 करोड़, फिर 13 हुआ, फिर 15, फिर 21 करोड़, फिर 25, 31, 37, 46, तो प्रॉफिट, कांस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहा, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे। जो ओपीएम बोलता हूँ मैं, हमेशा बोलता हूँ ओपीएम पे ध्यान दो। कंपनी बहुत बार रिजल्ट्स अच्छे दे देती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करती है, बट उनके ओपीएम नहीं बढ़ते। तो जहाँ ओपीएम गिरे वो कंपनी अंडर परफॉर्म करती है। तो यहाँ ओपीएम भी देखो 25% से 28% हुए है, जहाँ ओपीएम बढ़े हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक हम कहेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो बाकी डेबिटर ऑब्वियसली कम हो रहे, 55, 42, 53, 35, 30, तो डेबिटर कम हो रहे जो कि अच्छी बात है शेयर के लिए। प्रमोटर ने स्टेक लिया है, 36% था, 39.90 कर लिया, 39.86 हो गया। एफ आई 1% 1.06, डी आई 3%, पब्लिक 55%। तो ओवरऑल पैटर्न अच्छा है। पब्लिक में भी देखे तो हमें प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही ज़्यादा देखने मिल रही, ऑटम इन्वेस्टमेंट 9%, यहाँ ऑटम इन्वेस्टमेंट और एक है इनका 4%, तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म से और पब्लिक भी इसमें मिक्स सा एक पब्लिक में हमें स्ट्रक्चर दिख रहा। भारत वायर रोप्स का, भारत वायर रोप्स लिमिटेड का, तो ये सेकेंड कंपनी होगी जिसे आप रडार पे रख सकते हो। थर्ड कंपनी हमारी है आईटी सेक्टर से, आईटी सेक्टर की मोस्ट इमर्जिंग कंपनी आर सिस्टम इंटरनेशनल। आर सिस्टम इंटरनेशनल ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत महंगी होगी, और तब इसे खरीदना भी, मतलब ये जब बन जाएगी 2000-3000 के आसपास चल जाएगी तो हम सिर्फ देखते रहेंगे, तो 3000-4000 इसका रेट हो जाएगा और तब हम नहीं ले पाएंगे। अभी भी सस्ता है, मैं बोलूँगा ये लेवल पे भी आप ले सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये डायरेक्ट प्ले है, तो यह आप नज़र रख सकते हो। ये कंपनी में देखो बॉक्स पैटर्न बना, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और इसने ऊपर की तरफ अपनी जर्नी रिज्यूम की थी, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट एंड देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, और ये एक हर्डल था 359 का, इसे भी इसने बिग वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया था, इसीलिए ये अब अच्छे से ऊपर जा रही। यहाँ पे आप अगर ले रहे हो और लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हो तो 300 का स्टॉप लॉस बैठेगा नीचे, 100 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ऊपर टारगेट आप बस ट्रेल करते रहिए, इसमें टारगेट बहुत बड़े हो गए,
हजार 1,500 2,000 के ऊपर भी इसके टारगेट आराम से देखने मिलेंगे, तो कंपनी अच्छी इसे होल्ड किया जा सकता है। अब इसके फंडामेंटल भी देखूँ तो 5,337 करोड़ की मार्केट कैप है, 46 की बुक वैल्यू है। ये देखो ये बहुत सही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है। ये कंपनी शायद, हाँ ये स्प्लिट हुआ था इधर, फेस वैल्यू 1 की इसकी। और मैंने जैसे बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स का प्योर प्ले है, तो आने वाला टाइम भी इनका ही होगा, क्लाउड AI एनालिटिक्स इसमें ही कंपनियां जो बढ़ रही है तो चलेगी। ये भी डिविडेंड यील्ड 1.44% की कंपनी डिविडेंड देती है, 50 और 200 DMA के ऊपर कांस्टेंट ग्रोथ। यहाँ देखो प्रॉफिट ग्रोथ 44 के CAGR से लास्ट 5 ईयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, बहुत सही है, और डिविडेंड 34% का डिविडेंड देती है, हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी, जो कि इसे एक अच्छे लेवल तक भी लेके जाएगा। तो यहाँ आपको, मतलब यहाँ आप नज़र रख सकते हो, कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया है, 51.93% प्रमोटर है। डीआईज कुछ नहीं था, डीआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई, 0.71% लिया है, फर्स्ट टाइम डीआईज ने 0% से बढ़ा थे, अभी 0.71 की, और पब्लिक के पास 47.22% पब्लिक के पास है, तो उसमें भी भावुक त्रिपाठी इनके पास ही 32% स्टेक है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास इतना बड़ा स्टेक है, तो यह भी आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी। इनके पास बहुत तगड़े तगड़े शेयर से देखो आर सिस्टम इन्होंने लिया है, और इनके पास कौन सा शेयर है, फेडरल मोगुल इन्होंने बेचा, और एक्सेल क्रॉप केयर भी इन्होंने बेच दिया है। तो फिलहाल आर सिस्टम इनके पास एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी लेके बैठे हैं ये, तो ये एक प्रमोटर में ही आ जाएंगे। तो थर्ड स्टॉक हमारा हो गया आर सिस्टम। इस लिस्ट में हमारा फोर्थ स्टॉक है आर्टिमिस मेडिकेयर, आर्टिमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड। अब जिन्हें लग रहा है कि ये अपना क्या बोलते हैं, अपोलो हॉस्पिटल भाग गया, अपोलो हॉस्पिटल महंगा होगा, तो ये शेयर आपको सस्ते में मिल रहा, ये सस्ते में मिल रहा, तो अभी 127 का है, देखते देखते मैं 65 से देख रहा हूँ इसे, 65 के लेवल पे था, मैं सोचा फॉलिंग थ्री बन गया, बट इसने जब इसे सपोर्ट लिया ये लेवल पे तब मैंने सोचा था लेने का, बट ये ब्रेकआउट हुआ था उस दिन, फिर अगले बार सोचा नहीं ले पाया मैं, पर अभी भी मैं बोलूंगा ये सस्ता शेयर मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये भी एक स्ट्रॉन्ग महंगी लिस्ट में आपको आते हुए दिखेगा। 2020 की लिस्टिंग है और अभी 127 आ चुका है, 25 रुपये वाला शेयर 127, तो और आने वाले टाइम में भी इसमें एक अपसाइड आपको मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा 65 के आसपास, लॉन्ग टर्म में इसे होल्ड करो, 1,000 के ऊपर भी ये चला जाएगा। शेयर की बात करें तो 1,744 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, 45 का पी, बुक वैल्यू 30, फेस वैल्यू 1, और ये जो कंपनी है ये एंगेज्ड इन हेल्थ केयर बिजनेस, हेल्थ केयर बिजनेस में मैं कहूँगा आने वाला टाइम भी इनका ही होगा, हेल्थ केयर में कभी लॉस नहीं होगा, ये कंपनियां ग्रो ही करेगी। तो और देखो एक्सपेक्टेड टू बी गुड क्वार्टर, तो क्वार्टर भी इनको एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही आएगा, तो ये कंपनी पे आप रडार पे रख सकते हो। प्रमोटर की बात करें तो देखो 68.91%, 69% प्रमोटर के पास, 1.37 FIIs, 7% DIIs, 22% पब्लिक, तो पब्लिक बहुत कम है, और इधर सॉरी FIIs नहीं, यहाँ DIIs 1% है और गवर्नमेंट के पास 7% स्टेक है, मैंने ये नहीं देखा था, गवर्नमेंट के पास 7.27% स्टेक है, तो कंपनी जबरदस्त है और यहाँ से भी ये चलेगी 100% चलेगी, तो इसे आप रडार पे रख सकते हो, अभी सस्ता है, आने वाले टाइम पे ये भी शेयर महंगा मिलेगा। अब हम नेक्स्ट हमारा फिफ्थ शेयर देखेंगे जिसका नाम है ला ओपला।
ला उपला देखो, क्या ये शेयर था 1 रुपए का? 1 रुपए इसकी वैल्यू थी। कब थी वो? 2010 में थी। 1 रुपए वाला शेयर हो गया है डायरेक्टली 463 रुपए। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो W पैटर्न बनते हुए जा रहा है। W बन गया, ये W बन रहा है यहाँ से W, तो ये W का ब्रेकआउट भी होगा इसमें, बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा। और इसे 1000 के ऊपर, मतलब 1000 के ऊपर तो ये आराम से चला जाएगा, क्योंकि अभी इसके लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टर, मतलब सपोर्ट बन गया। रेजिस्टर एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। यही लेवल 260 का इसे सपोर्ट है। 260 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं देगा। दिया भी तो नीचे, सॉरी 460, और नीचे क्लोजिंग भी दिया तो 434 एक नेक्स्ट लेवल है, जहाँ पे ये फिर से सपोर्ट लेगा। तो यहाँ ये एक बैंड बन चुका है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखो 430 का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ऊपर टारगेट हम सिर्फ ट्रेल करते जाएंगे। यहाँ भी एक अच्छा पैटर्न बना है, तो ये एक शेयर आपको रडार पे रखना है। 5132 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। फेस वैल्यू इसकी 2 की 2 फेस वैल्यू है। और इनका मेजर काम क्या है? टेबल वेयर बनाने का काम है। बाउल्स, डिनर सेट आते हैं, जो कॉफ़ी मग्स, कॉफ़ी कप्स, ये ला उपला ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ भी आप रख सकते हो रडार पे। देखो 50 DMA, 200 DMA को ऊपर की तरफ तो क्रॉस किया, और 360 वाला 460 हो गया। 100 पॉइंट की मूवमेंट इसमें आ गई है। यह पॉजिटिव बातें देखो, डेट फ्री कंपनी, एक्सपेक्टेड टू बी गुड क्वार्टर, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, 36% डिविडेंड देते हो। डेबिटर 43 डेज से 29 डेज हो चुके हैं, तो डेबिटर कम है। ईच एंड एवरी पैरामीटर अगर कंपनी का इतना अच्छा है, तो आप इसमें स्टेक ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड भी कर सकते हो, कंपनी परफॉर्म करेगी। यहाँ भी देखूँ तो प्रमोटर की बात करें तो 65.64% प्रमोटर, 1% FIIs, DI स्ट्रॉन्ग 18.90% DIs है। DIs में कौन है? तो कोई फंड्स हो गए, ऑब्वियसली सब फंड्स है इसमें। UTI, DSP, HDFC, निपॉन, ICICI, तो फंड्स ने इसे लेके रखा है। तो फंड्स की स्ट्रांग होल्डिंग, और पब्लिक देखो सिर्फ 13% पब्लिक यहाँ पे। तो जहाँ पब्लिक कम है वहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगी। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए 5 स्टॉक, DMCC, भारत वायर रोप, आर सिस्टम, आर्टिमिस मेडिकेयर एंड ला उपला। तो ये 5 स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो।